सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, जो पिछले वीडियो में भी पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने सूर्य और कमल के पर्यायवाची शब्द ऑलरेडी पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सरिता और मेघ के पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मेघ के पर्यायवाची शब्दों के साथ, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं किसके साथ? मेघ के पर्यायवाची शब्द। तो मेघ जो होता है ये बादल होता है, जैसे हम सब लोगों को पता है, ठीक है। तो मेघ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? एक होता है जलचर, ठीक है। जलचर सबसे आसान है कि जल जो चलता हुआ जल है, बेसिकली बादलों में जल ही तो होता है, ठीक है, वेपर की फॉर्म में। दूसरा है अम्बुद। अम्ब मतलब होता है पानी, तो दा मतलब धारण, तो पानी को धारण करने वाला अम्बुद। अम्बुद अम्ब मतलब जो होता है वो होता है पानी, दा मतलब होता है धारण, तो पानी को धारण करने वाला मेघ होता है। तीसरा अगला है जलधर और पयोध। जलधर जल को धारण करने वाला, जलधर और पयोध इसका भी यही है, पानी पय जो होता है वो जल पानी को कहते हैं, तो पानी को धारण करने वाला पयोध। फिर है पयोधर, जैसे जलधर और जलद है इसी तरह से है पयोधर, इसी तरीके से हमारे पास है पयोधर। उसके बाद हमारे पास आता है नीरद। नीर मतलब भी होता है पानी, तो पानी को धारण करने वाला नीरद। फिर है जीमूत, ठीक है, फिर है जीमूत, फिर जीमूत है। इसके बाद है बादल, बादल। फिर है पयोधी, पयोधी, पयोधी के बाद फिर नेक्स्ट है अभ्र, अभ्र। उसके बाद आता है घटा, अभ्र, अभ्र के बाद है घटा। घटा के बाद है वारीधर, वारीधर। वारीधन के बाद है पर्जन्य, पर्जन्य। परजन्य के बाद जो आता है नेक्स्ट है वो है बलाहक, बलाहक। परजन्य के बाद जो है वो है बलाहक। परजन्य के बाद जो आता है वो हमारे पास आता है बलाहक। उसके बाद नेक्स्ट है वो है अभ्र। अभ्र मतलब भी होता है बादल, परजन्य जो होता है ये भी मतलब होता है बादल, परजन्य मतलब भी बादल होता है। और जीमूत भी बादल होता है, पयोध बादल होता है। जलचर, नीरद, अम्बुद, जलधर, घटा, वारीधर, बादल, अभ्र, मेघ, मेघ, पर्जन्य, और बस। तो ये जो है इसमें मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है एक तो पर्जन्य है, ठीक है, जो नहीं पता होता अक्सर। दूसरा बलाहक, ये हो गया। तीसरा जो है ये है अभ्र, ये हो गया इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर बात करी जाए तो कौन सा डिफरेंट होगा? पयोध, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, वैसे तो नहीं है पर फिर भी पयोध, ठीक है, पयोध। उसके बाद नीरद, नीरद, जीमूत, जीमूत को थोड़ा सा हम लोग अलग मान सकते हैं। तो ये कुछ अलग इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। एक तो जो मेघ का पर्यायवाची शब्द है वो है पर्जन्य, दूसरा है बलाहक, तीसरा है पयोध, चौथा है जीमूत और पाँचवा है अभ्र, ठीक है। तो मेघ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? मेघ के पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक तो होता है जलचर, दूसरा वारीधर, तीसरा अम्बुद, चौथा नीरद, फिर पर्जन्य, फिर जलधर। पर्जन्य के बाद होता है जलधर, फिर जीमूत, उसके बाद होता है बलाहक, जीमूत के बाद होता है बलाहक, फिर पयोध, फिर बादल, फिर पयोधर, ठीक है, फिर पयोधी, फिर अभ्र, फिर घटा। जलचर, वारीधर, अम्बुद, नीरद, पर्जन्य, जलधर, जीमूत, बलाहक, पयोध, घटा, अभ्र। तो अगर बाकियों को हम लोग एलिमिनेट कर दें जो आसान है और सिर्फ इम्पॉर्टेंट को लिखें, तो कौन कौन से बचेंगे? एक तो बचेगा जीमूत, ठीक है, इनको इसको लिख लेते हैं। एक तो है जीमूत, दूसरा जो है ये है परजन्य, तीसरा है पयोध, उसके बाद है अभ्र, पयोध के बाद आता है अभ्र, अभ्र के बाद है बलाहक, अभ्र के बाद है बलाहक, ठीक है।
तो ये हमारे सामने जो हैं टोटल इसके ऐसे वर्ड जो अक्सर नहीं पता होते वो हैं। तो मेघ के हैं जीमूत, पर्जन्य, पयोत, अभ्र, बलाहक। तो इसी प्रकार से जो मेघ है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले उस पे, जिस जो शब्द है पयस्वनी। पयस्वनी के पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। अगला जो है टॉपिक वो है, मतलब पर्यायवाची शब्द है वो है पयस्वनी, पयस्विनी। तो पयस्वनी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पहला पर्यायवाची शब्द है दुधारू। पहला जो पर्यायवाची शब्द है पयस्वनी का वो है दुधारू। दुधारू ये पर्यायवाची शब्द है किसका? पयस्वनी का, दुधारू। दूसरा है गाय, फिर नदी और सरिता। फिर है गाय, गाय के बाद है नदी, नदी के बाद है सरिता, नदी के बाद जो है वो आता है सरिता। तो पयस्वनी के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें दुधारू, गाय, नदी और सरिता। पयस्वनी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं दुधारू, गाय, नदी और सरिता। ये जो हैं पयस्वनी के पर्यायवाची शब्द हैं दुधारू, गाय, नदी और सरिता। और दुकूल, अगर उसके बाद अगले की बात करें तो वहिनी। वहिनी किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, हम लोग को देखना है। तो वहिनी जो पर्यायवाची शब्द है ये सेना या फौज का शब्द है, पर्यायवाची शब्द वहिनी। वहिनी जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? वहिनी पर्यायवाची शब्द है सेना का या फिर फौज का। वहिनी जो है पर्यायवाची शब्द है सेना का या फिर फौज का जो है ये पर्यायवाची शब्द है वहिनी। वहिनी जो है सेना का या फिर फौज का एक पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद पगा, अगला पर्यायवाची शब्द जो आता है वो आता है पगा। तो पगा क्या क्या है? पगा जो होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है? पगा मतलब होता है पटका या दुपट्टा, ठीक है। पगा मतलब होता है पटका, पटका या फिर दुपट्टा। पगा मतलब जो होता है वो होता है पट्टा या दुपट्टा। तो हम लोगों ने पयस्वनी पढ़ा, पयस्वनी मतलब होता है दुधारू गाय या फिर नदी या फिर सरिता। इसी प्रकार से दुकुल, दुकुल जो होता है ये रेशमी कपड़े को कहा जाता है, दुकुल, ठीक है। दुकुल जो होता है ये एक रेशमी कपड़े को कहा जाता है, दुकुल। तो पयस्वनी हम लोगों ने पढ़ा दुधारू गाय। दूसरा हम लोग ने जो पढ़ा, पहला हम लोग ने पढ़ा पयस्वनी, पयस्वनी मतलब जो होता है वो होता है दुधारू गाय, ठीक है, और नदी और सरिता। फिर हम लोग ने पढ़ा पगा, पगा मतलब होता है पटका या फिर दुपट्टा। फिर वहिनी, वहिनी मतलब होता है सेना या फिर फौज। उसके बाद अगर मेघ की बात करें, मेघ में हमारे पास आते हैं जलधर, अम्बुद, जलचर, पयोध, पयोधर, नीरद, जीमूत, बादल, पयोधी, वारिधर, अभ्र, घटा, पर्जन्य। अभ्र, घटा, पर्जन्य, जग जीवन, अम्बुद। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि अभ्र मतलब क्या होता है? अभ्र मतलब जो होता है ये होता है बादल, जबकि पर्जन्य मतलब होता है मेघ, बरसता हुआ बादल। तो पर्जन्य मतलब होता है मेघ या फिर बरसता हुआ बादल जो होता है ये पर्जन्य होता है। पर्जन्य जो होता है ये होता है मेघ और बरसता हुआ बादल। ये हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कौन कौन से पर्यायवाची शब्द पढ़े? एक तो दुकुल पढ़ा, दुकुल मतलब होता है रेशमी कपड़ा। दूसरा पयस्वनी, जिसका मतलब होता है दुधारू गाय या नदी या सरिता। चौथा था पगा, पगा मतलब पटका या दुपट्टा। फिर वहिनी, वहिनी मतलब सेना या फौज। और मेघ पढ़ा, ठीक है। मेघ के क्या क्या होते हैं? तो नेक्स्ट में हम लोग पर्यायवाची की वीडियो में पढ़ेंगे सरिता के बारे में, और बाकी जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।